दिस इज द ओनली वायरलेस माइक्रोफोन जो कि आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है DWM114, जो कि स्पेशली बनाया गया है स्मार्टफोन्स के लिए, चाहे आपके पास एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस एफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट वाले वायरलेस माइक्रोफोन को टेस्ट, देखते हैं क्या आपको ये बाय करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस माइक्रोफोन के बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले है यहाँ पे यूजर मैनुअल इस माइक्रोफोन को समझने के लिए, उसके बाद है एक वायरलेस माइक्रोफोन की यूनिट, बेसिकली जो ये चार्जिंग केस है उसकी यूनिट मिलती है, जिसके अंदर हमें माइक्रोफोन, रिसीवर, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, एज ऑफ नाउ के लिए इसको अभी साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक एक्सेसरी बॉक्स, इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो एक्सेसरी बॉक्स में हमें मिलती है एक डेटा केबल जो कि है USB A to Type-C, और एक हमें मिलता है Type-C to Lightning कनेक्टर लाइटनिंग आईफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इन दी बॉक्स मिलती है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज एंड फॉर्म फैक्टर की। तो ये है वायरलेस चार्जिंग केस इस माइक्रोफोन का, सामने की तरफ डिजिटेक की ब्रांडिंग है, DWM114 यहाँ पे लिखा हुआ है, LEDs दे रखी है जो ये इंश्योर करती है कि चार्जिंग कितनी है चार्जिंग केस में, और पीछे की तरफ दिया गया है टाइप सी पोर्ट। और इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, अंदर की तरफ है दो ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, और अच्छी एंड यूनिक बात मेरे को इस चार्जिंग केस में ये लगी कि हमें इसके अंदर जो विंडशील्ड है उसकी भी जगह देखने को मिलती है, सो दैट अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं आपको विंडशील्ड जो है इन दी चार्जिंग केस ही मिल जाएगी, अलग से कैरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे बात करें ट्रांसमीटर की, तो ट्रांसमीटर को सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि जैसे ही बाहर निकाला है ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो गया, पावर ऑन करने की आपको नीड नहीं पड़ती। तो वन बाय वन जो है डिज़ाइन लैंग्वेज को समझते हैं, फिर हम इसको जो है आगे टेस्ट भी करेंगे। तो ये है इसका ट्रांसमीटर, जिसको हम माइक्रोफोन भी कह सकते हैं, ऐसे हमें दो मिलते हैं। और बात करें यहाँ पे डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो ऊपर की तरफ दी गई है ग्रिल जहाँ पे माइक की प्लेसमेंट की गई है, सामने की तरफ कुछ आइकन्स है जिससे हमें सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है, जैसे कि सबसे पहले है पेयरिंग का आइकन, फिर है नॉइस कैंसिलेशन का, फिर है रिवर्ब इफेक्ट का, और फिर है म्यूट का। राइट हैंड साइड में हमें एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, पीछे की तरफ क्लिप माउंट है जिससे आप इस तरह से अपने क्लोज के ऊपर इसको माउंट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिप माउंट का फायदा होता है। एंड पीछे की तरफ एक पावर बटन और मल्टी फंक्शन बटन है, बेसिकली कॉमन बटन है जिसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो पावर ऑन एंड ऑफ, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड है, या फिर आप नॉइस रिडक्शन मोड भी कह सकते हैं, वो अनेबल हो जाता है। अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो रिवर्ब इफेक्ट जो है अनेबल हो जाता है, और अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हैं तो माइक्रोफोन म्यूट हो जाता है। तीन तरह की फंक्शनैलिटी जो बैक में बटन है वो आपको ऑफर करता है, और नीचे की तरफ दी गई है वायरलेस चार्जिंग पिंस। तो ये इसका जो है ओवरऑल डिज़ाइन है, और ये है इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी। उसके बाद है रिसीवर, जिसमें आपको कुछ भी एज सच समझने की नीड नहीं है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, आपने सिंपली अपने स्मार्टफोन के अंदर इसको प्लग करना है एंड उसके बाद आपको जो माइक्रोफोन है ऑटोमेटिकली पेयरिंग कर लेगा। अब ये जो रिसीवर है ये आता है टाइप सी कनेक्टर के साथ में, लेकिन अगर आपके पास आईफोन है लाइटनिंग कनेक्टर वाला, तब आपने जो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको अलग से कनेक्टर दिखाया था वो आपने इसके साथ में कनेक्ट करना है, फिर आप इसको लाइटनिंग कनेक्टर वाले आईफोन के साथ में भी अटैच कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है विंडशील्ड, जिसको आप डायरेक्टली अपने ट्रांसमीटर के ऊपर इस तरह से अटैच कर सकते हैं, और विंडी सिचुएशन में विंड को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। तो सच में अगर ये चार्जिंग केस में डाला है, बहुत सोच समझ के डाला है, एक्चुअल में ये बहुत काम आती है। तो ये है इसका कंप्लीट डिज़ाइन। एंड बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो चार्जिंग केस में दी गई है 400 mAh की बैटरी, जिसको आप 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बैटरी बैकअप की, तो हमें यहाँ पे 6.5 घंटे का रिसीवर का और 6.5 घंटे का ट्रांसमीटर का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। अब समय आ गया है इस वायरलेस माइक्रोफोन को प्रैक्टिकली टेस्ट करने का, इसको अपने स्मार्टफोन के साथ में अटैच करते हैं और फिर देखते हैं जो तीनों मोड्स हैं, जैसे कि नॉर्मल, नॉइस रिडक्शन एंड रिवर्ब, वो किस तरह से प्रैक्टिकली काम करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी आप ये जो साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं ये इसी वायरलेस माइक्रोफोन से आ रही है। और बात करें इसकी वायरलेस रेंज की, तो हमें मिलती है 40 मीटर की वायरलेस रेंज अगर आप इस माइक्रोफोन को वायरलेसली यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें बैटरी बैकअप की, तो हमें 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, यानी कि आप एक ट्रांसमीटर को 6.5 घंटे तक चला सकते हैं। और अभी इसका जो है नॉर्मल मोड एनेबल है, लेकिन अब देखते हैं नॉइस कैंसिलेशन में ये जो माइक्रोफोन है किस तरह से काम करता है। तो ये है नॉर्मल मोड, और आप यहाँ पे 2 सेकंड में चुप हो तो फिर आप नॉइस को एक बार नोटिस करिए। तो ये यहाँ की एम्बियंस की नॉइस, और अगर मैं ऐसे सिचुएशन में नॉइस रिडक्शन वाला मोड एनेबल करता हूँ तो क्या फर्क आता है, आइए देखते हैं।
तो अब मैंने सिंगल क्लिक करके जो मल्टी फंक्शन बटन है उसको एनेबल करा है नॉइज रिडक्शन वाले मोड को, और अब आप ये देख सकते हैं कि नॉइज रिडक्शन से कितना फर्क आता है, जो बैकग्राउंड में यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है वो कितना कम हुआ और मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर आ रही है, उस चीज़ का आपको इस वीडियो शॉर्ट से डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे इस माइक्रोफोन से नॉइस रिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना जो है नॉइस को कम करता है। और ये है इसका रिवर्ब मोड, जिसमें हम अपने साउंड में रिवर्ब इफेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। तो अभी मैंने रिवर्ब प्लस नॉइस रिडक्शन दोनों मोड को एनेबल किया है ताकि मैं क्रिस्प एंड क्लियर साउंड कैप्चर करवा सकूँ, साथ में रिवर्ब इफेक्ट भी आ जाए। तो इस तरह से रिवर्ब इफेक्ट काम करता है, अगर आप वो भी एनेबल करवाना चाहते हैं इस माइक्रोफोन में। अभी सभी वीडियो शॉर्ट्स देखकर आपको डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा ये जो वायरलेस माइक्रोफोन है एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस देता है उस चीज का। अब गाइस आपको ये जो माइक्रोफोन है इसकी क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।